अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर किसको कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर हम कहते हैं कि अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का वन मोल लें और उसमें पार्टिकल्स का जो तादाद हो वो हो 6.02×10^23 पार्टिकल्स आर एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल दैट इज Na। N मींस नंबर एंड A मींस एवोगैड्रोस। एवोगैड्रोस का व्हिच इज गिवन इन टू द 1811 दैट इज एमिडो एवोगैड्रोस। Who gives the number? It is a 6.02×10^23 particles. One mole of any substance contains 6.02×10^23 particles. किसी भी substance का एक mole लेंगे तो उसमें इतने particles होंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये value जो है 6.02×10^23 ये कैसे आया? तो इसके दो methods हैं इसको find करने के लिए। जो पहला मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि तीन कांस्टेंट लेते हैं। एक कांस्टेंट है बोल्टजमैन कांस्टेंट। बोल्टजमैन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। केबी जिसका वैल्यू है 1.38×10^-23 जूल पर केल्विन। और दूसरा कांस्टेंट वैल्यू है गैस कांस्टेंट, जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर से, जिसका वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो चार्ज होती है जो मुल्किन ने मेयर की थी वो है 1.602×10^-19 कोलम। कोलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602×10^-19 कूलम। एंड उसके बाद वन फेराडे, माइकल फेराडे ने ला दिया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसने जो वन फेराडे है वो इज इक्वल टू है 96,500 कूलम के। मींस एक फेराडे बराबर है 96,500 कूलम्स के। उसके बाद फेराडे ने ला जो दिया था वो था इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हम फाइंड करेंगे कि ये जो वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर का ये कैसे कैलकुलेट किया। तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे जीन पेरेन था इन 1925 जीन पेरेन, जिसने ये मेथड दिया कि ये जो एवोगैड्रोस नंबर है कैसे फाइंड करें। तो उसमें हम देखें कि जिसका फार्मूला जनरल फार्मूला है आर इज इक्वल टू द के बी मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आर जनरल गैस कांस्टेंट, के बी इज अ बोल्टजमैन कांस्टेंट एंड एन ए इज अ एवोगैड्रोस नंबर। तो अब हमें क्या चाहिए? एवोगैड्रोस नंबर चाहिए। हमें एवोगैड्रोस नंबर फाइंड करना है कि ये जो वैल्यू आया है 6.02 ये कैसे आया है। तो एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू द आर अपॉन के बी। हमें पता है कि आर का वैल्यू क्या है, तो आर की जगह पे रखेंगे, आर का वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। उसको हम डिवाइड करेंगे के बी मींस बोल्टजमैन कांस्टेंट वैल्यू से। तो दोनों कांस्टेंट हमें मिले हुए हैं, बोल्टजमैन कांस्टेंट एंड जनरल गैस कांस्टेंट। तो एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू द बोल्टजमैन कांस्टेंट जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बोल्टजमैन कांस्टेंट। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1.38×10^-23 से। तो इसमें देखें कि केल्विन केल्विन में कैंसिल हो जाएगा, जूल जूल में कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा क्या? मोल। जब इस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमें जो मिलता है वो है 6.02×10^23 पार्टिकल्स, जो एक मोल में इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या?
एवोगैड्रोस नंबर। तो ये था पहला मेथड टू कैलकुलेट द एवोगैड्रोस नंबर। उसके अलावा दूसरा मेथड है जो माइकल फैराडे ने दिया था बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसने बताया कि जब इलेक्ट्रिक ट्यूब या इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जब उसने क्या किया कि 96,500 कूलम्स चार्ज को जब पास करवाया तो क्या हुआ कि वहां से एक हाइड्रोजन या एक ग्राम हाइड्रोजन वो आउट हुआ। इट मींस 1 ग्राम हाइड्रोजन वहां से जब निकला तो उसने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वहां से निकलता है इज इक्वल टू द 1 हाइड्रोजन, इट इज आल्सो इज इक्वल टू द 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एक्सटेडेड व्हेन पासिंग द करंट 96,500 कूलम। सो हाइड्रोजन इज इक्वल टू द 1 ग्राम, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो है 1 और 1 जो है 1 ग्राम है तो उसको हम कहेंगे मोलर मास, क्योंकि मास को जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में तो उसको हम कहते हैं मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1। इस तरीके के मुताबिक या इस मेथड के में हम ये नंबर एवोगैड्रोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो एक दिया है हाइड्रोजन ने, उसके बाद उसको हम डिवाइड करेंगे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है 1.602×10⁻¹⁹ कूलम। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 फैराडे से, जो 1 फैराडे का वैल्यू है 96,500 कूलम्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगा 96,500 कूलम को मल्टीप्लाई किया 1 इलेक्ट्रॉन से तो नंबर सेम ही आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की चार्ज से जब डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आएगा 6.02×10⁻²³ पार्टिकल्स। तो हमें एवोगैड्रोस नंबर मिल गया। तो एवोगैड्रोस नंबर जो मिला इसके 2 मेथड्स थे। एक ये मेथड था जिन तेरेन ने बताया था जिसमें हमने 3 कांस्टेंट लिए, बोल्मेन कांस्टेंट, गेस कांस्टेंट और बोल्मेन कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर। तो जब हमने जनरल गेस कांस्टेंट को डिवाइड किया बोल्मेन कांस्टेंट से तो हमें एवोगैड्रोस नंबर मिल गया। उसके बाद दूसरा मेथड माइकल फैराडे ने जो बताया कि जहां से हम चार्ज पास कर रहे थे 96,500 कूलम, जहां से 1 ग्राम हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा था तो उसको जब हम करेंगे तो 1 फैराडे से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को, आंसर सेम ही आएगा 96,500 कूलम्स को जब डिवाइड करेंगे चार्ज ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू द 1.602×10⁻¹⁹ कूलम। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कूलम कूलम में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6.02×10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स, जो पार्टिकल्स होते हैं या इसको हम एटम्स कह सकते हैं, आयंस कह सकते हैं। तो ये थे 2 मेथड्स टू फाइंड आउट द एवोगैड्रोस नंबर।